Dear Swapna student, today we are going to learn about the 8085 operations. In the 8085 operations, the microprocessor has a set of the finite number of instructions through which it can manipulate data and communicate with the peripheral device. Microprocessor passe ek chokas prakar ni instructions se जेनाथी ए डेटा ने मेन्युपुलेट करी शके छे अने पेरिफेरल डिवाइस जे छे जे माइक्रोप्रोसेसर ना आजूबाजू लगावेली छे एनी साथे कम्युनिकेट करी शके छे। नाउ व्हाट इज द पेरिफेरल डिवाइस? द पेरिफेरल डिवाइस आर कनेक्टेड अक्रॉस द माइक्रोप्रोसेसर। सपोज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, फैक्स, दैट आर नोन एज ए पेरिफेरल डिवाइस। द माइक्रोप्रोसेसर इज अ बेसिकली प्रोग्रामेबल डिवाइस which can be programmed to perform the desired task. What is the microprocessor? Microprocessor is a programmable device. A kevi device che? Programmable device che. Through it can perform desired task. Enathi shu thai che? Koi ek chokkas karya thai che. बराबर। बाय राइटिंग द प्रोग्राम सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोग्राम के रीते लखवानो? तो आपने जे इंस्ट्रक्शन भण्या छे एमांथी कोई चोक्कस प्रकारनी इंस्ट्रक्शनोनो उपयोग करीने एक प्रोग्राम बनाववामां आवे छे। प्रोग्राम एंड द डेटा केन बी एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड एंड द स्टोर्ड इन मेमरी। प्रोग्राम एंटर केवी रीते करवानो? तो यूजिंग द कीबोर्ड। एंड वेर इट इज स्टोर्ड? इट इज स्टोर्ड इन द मेमरी। द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स एन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। माइक्रोप्रोसेसर शू करशे? ए इंस्ट्रक्शन ने रीड करशे, पछी एनु शू करशे? डिकोडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग? डिकोडिंग मीन्स मैचिस इट विथ इंस्ट्रक्शन सेट एंड परफॉर्म्स द मैनिपुलेशन ऑन डेटा इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन। दैट इज नोन एज ए फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट? फर्स्ट इट रीड द इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड। What is the meaning of decode? To analyze which type of manipulation is to be done and then the manipulation is performed. So that is known as a execute. The result of the manipulation is stored in a memory and sent to the output device. Result kya store hoy? Ka to memory ma store hoy athva ene output device ne aapvama aave che. The microprocessor can also respond to an external events like reset signal or interrupt. Okay? माइक्रोप्रोसेसर पोते रीसेट थतुं होय, एक्सटर्नली कोई सिग्नल ने रीसेट करे छे तो एनो पण रिस्पोन्ड करे छे। अने इंटरप्ट, दैट वी नो सो इंटरप्ट फ्रॉम सम डिवाइस। दिस फंक्शन्स एंड द एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। आ बधा फंक्शन छे एनी त्रण कैटेगरी मां वहेंचवामां आव्या छे। दे आर क्लासिफाइड, द ऑपरेशन्स आर क्लासिफाइड into three categories। કેટલી કેટેગરીમાં છે? ત્રણ કેટેગરીમાં એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે। ફર્સ્ટ માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિયેટેડ ઓપરેશન। પહેલું કયું છે? માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિયેટેડ ઓપરેશન્સ, કે માઇક્રોપ્રોસેસર પોતે કયા કયા કામ કરે છે, બરાબર। પછી which type of internal data manipulation is to be done, so second is the internal data manipulation, and the third is the peripheral, or externally initiated operation। तो तीजू काम शू छे एनु? एक्सटर्नल डिवाइस अथवा पेरिफेरल डिवाइस द्वारा जे ऑपरेशन परफॉर्म थाय छे, उत्पन्न थाय छे, एनु काम ए करे छे। फर्स्ट वी विल सी द माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। पेलू आपणे शुं जोईशुं? माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन। इन द माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन इट परफॉर्म्स फॉर प्राइमरी ऑपरेशन। ये शू परफॉर्म करे छे? चार प्राइमरी ऑपरेशन परफॉर्म करे छे।
एक छे मेमरी रीड, पहलू काम शू करशे मेमरी रीड, बीजू मेमरी राइट, थर्ड इनपुट आउटपुट रीड एंड द फोर्थ इज इनपुट आउटपुट राइट. दिस इज नोन एज ए माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएट ऑपरेशन. दिस ऑपरेशंस आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन 8085 एंड पेरिफेरल्स. आ कोनी वच्चे छे कम्युनिकेशन? इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस. ओके, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन द इट परफॉर्म्स थ्री स्टेप्स. ए आप चार ऑपरेशन करवा माटे एने नीचेना त्रण स्टेप एक्जीक्यूट करवा पड़से. दिस थ्री स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म. व्हाट इज द फर्स्ट? द फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई 16 बीट मेमरी लोकेशन. पहलू शू जोईशे एनी पासे? मेमरी में कोई रीड करवू छे बराबर, अथवा इनपुट आउटपुट में रीड करवू छे अथवा राइट करवू छे. तो टू आइडेंटिफाई द 16 बीट मेमरी लोकेशन और पोर्ट एड्रेस. जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हसे तो पोर्ट एड्रेस की जरूर पड़े. सेकेंड आइडेंटिफाई थी गयु कि क्या डेटा मोकलवानो छे अथवा क्या थी रीड करवानो छे. देन ट्रांसफर द डेटा. पछी डेटा शू थशे? ट्रांसफर. क्या ट्रांसफर थशे? का तो आ मेमरी लोकेशन पर थी माइक्रोप्रोसेसर में आवशे अथवा माइक्रोप्रोसेसर में थी मेमरी लोकेशन में जशे. सेम आ पोर्ट एड्रेस पर डेटा जशे अथवा आपणे जो कीबोर्ड थी एंटर करिए तो ए पोर्ट एड्रेस पर थी माइक्रोप्रोसेसर में डेटा जशे. एंड द थर्ड प्रोवाइड नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल. हवे आ बधुं काम थाय छे तो ऑल द वर्क इज टू बी डन विथ द यूज ऑफ द कंट्रोल सिग्नल देट यू नो कंट्रोल बस. तमे कंट्रोल बस भण्या छो तो कंट्रोल बस शू करशे? इट जनरेट्स द डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल. सो विच टाइप ऑफ सिग्नल इज आर रिक्वायर्ड? फॉर द मेमरी रीड इट रिक्वायर्ड MEMR. मेमरी रीड माटे कयो सिग्नल जोईशे? MEMR. सेम मेमरी राइट माटे MEMW. इनपुट आउटपुट रीड माटे IOR अने इनपुट आउटपुट रीड माटे IOW. दिस फोर आर रिक्वायर्ड. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेमरी रीड, मेमरी राइट, मेमरी इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल. आ चार वस्तु आपणे भणी ગયેલા છીએ. ओके, सो देट यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम द 8085 मशीन साइकल. जे आपणे मशीन साइकल वाळो यूनिट छे એની અંદરથી મેમરી રીડ, મેમરી રાઇટ, ઇનપુટ આઉટપુટ રીડ અને ઇનપુટ આઉટપુટ રાઇટની આપણે સાયકલ ભણી ગયેલા છીએ. સો ધેટ યુ હેવ ટુ પરફોર્મ. ઓકે, સો માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન. વિચ આર ધ માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન? સો ધ માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન આર MEMR, MEMW, IOR એન્ડ IOW. એ કાં તો મેમરીને રીડ કરે છે અથવા મેમરીને રાઇટ કરે છે અથવા ઇનપુટ આઉટપુટને રીડ કરે છે અથવા ઇનપુટ આઉટપુટને राइट करे छे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमरी रीड? द मीनिंग ऑफ मेमरी रीड इज सम डेटा इज स्टोर्ड ऑन दैट मेमरी एंड इट इज टू बी फेच्ड टू द माइक्रोप्रोसेसर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोग्राम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमरी राइट? मेमरी राइट मीन्स टू स्टोर द डेटा, टू स्टोर द डेटा. सेम इनपुट आउटपुट रीड मीन्स सपोज यू आर प्रेसिंग द की और वॉट एवर द डेटा दैट इज एंटर्ड बाय यू यूजिंग द कीबोर्ड दैट इज नोन एज ए इनपुट आउटपुट रीड. And what is input output write? So we will take the example of the printer. We will take the example of the printer. So printer is used to get the some output. Printer is used to get some output. So that's why it is known as a input output write. Okay. Now the second part is the internal data manipulation. બીજો ભાગ કયો છે? Internal data manipulation નો છે. Okay. So the second part is इंटरनल डेटा मैनिपुलेशन. व्हाट इज द इंटरनल डेटा मैनिपुलेशन? द मीनिंग ऑफ द इंटरनल डेटा मैनिपुलेशन इज वंस द डेटा इज ट्रांसफर टू द माइक्रोप्रोसेसर
एक वक्त डेटा माइक्रोप्रोसेसर नी अंदर आवी गयो छे. नाउ द इंटरनल आर्किटेक्चर डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ और हाउ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड विद द डेटा. सो फर्स्ट, वंस डेटा इज ट्रांसफर्ड टू द माइक्रोप्रोसेसर, द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ The internal architecture decide what and how operations can be performed with the data. Okay, so which type of performance are to be done with the use of the microprocessor? So first we already know that it store 8 bit data. એ કેટલા બીટનો ડેટા સ્ટોર કરે છે? 8 બીટના ડેટાને સ્ટોર કરે છે. ઓકે, ફોર 16 બીટ ડેટા યુ હેવ ટુ યુઝ ધ સ્ટેક પોઇન્ટ. સો ફર્સ્ટ ઇટ સ્ટોર ધ 8 બીટ ડેટા, ધેન ઇટ પરફોર્મ એરિથમેટિક એન્ડ લોજિકલ ઓપરેશન. બીજું કામ શું કરશે? એરિથમેટિક એન્ડ લોજિકલ ઓપરેશન. થર્ડ, ટુ ટેસ્ટ સર્ટેન કન્ડિશન, કોઈ એક ચોક્કસ પ્રકારની કન્ડિશનને એ ટેસ્ટ કરે છે. થર્ડ, ફોર્થ, સિક્વન્સ ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. સો સિક્વન્સ the execution of instructions. Sequence the execution of the instruction. And the five, store data temporarily in the stack during execution of the program. Execution of program. Okay, so these are the different types of internal data manipulations are done with the use of the microprocessor. Barabar. માઇક્રો એક વખત ફર્સ્ટ ટાઈમ શું થશે? ડેટા ટ્રાન્સફર. ઓકે, ધેન ઇન્ટરનલ ડેટા મેનિપ્યુલેટેડ, ઇન્ટરનલ ડેટાનું મેનિપ્યુલેશન થશે. મીન્સ કે એ ડાયરેક્ટ ડેટાને સ્ટોર કરે છે અથવા કોઈ પણ એરેથમેટિક, લોજિકલ, કમ્પેર, વોટ એવર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આર ગિવન ઇન ધ પ્રોગ્રામ, ધેટ ઇઝ ટુ બી પરફોર્મ. ધ થર્ડ ઇઝ ધ ટુ ટેસ્ટ ધ સર્ટેન કન્ડિશન, કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની કન્ડિશનને ટેસ્ટ કરે છે. ધારો કે જમ્પ ઇફ કેરી છે, જમ્પ ઇફ નોટ કેરી છે, વોટ એવર. ફોર્થ, સિક્વન્સ ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, જે તમે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે એને વન બાય વન, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું એક્ઝિક્યુશન કરે છે. એન્ડ ધ ફિફ્થ, ડેટાને ટેમ્પરરી સ્ટોર કરે છે ડ્યુરિંગ ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી ઇન્ટરનલ ડેટા મેનિપ્યુલેશન ઓપરેશન. એન્ડ ધ લાસ્ટ પાર્ટ ઇઝ ધ પેરિફરલ ઓર એક્સટર્નલી ઇનિશિયેટેડ ઓપરેશન્સ, એક્સટર્નલી ઇનિશિયેટેડ ઓપરેશન્સ. પેરિફર દ્વારા કયા કયા સિગ્નલો ઉત્પન્ન થાય છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રીસેટ, ધેટ યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ. વોટ ઇઝ ધ રીસેટ? ધીસ ઓપરેશન ઇઝ ઇનિશિયેટેડ બાય મેકિંગ રીસેટ ઇન સિગ્નલ, ધેટ ઇઝ ઇન ધ પિન ડાયાગ્રામ, રીસેટ ઇન સિગ્નલ મેકિંગ લો. આને શું કરવું પડે? આને એક્ટિવેટ કરવા માટે આને લો કરવું પડે છે, બીકોઝ ધેર ઇઝ અ ઇટ ઇઝ લો ઇનેબલ. ઉપર બાર આપ્યો છે એનો મતલબ એ કેવું છે? લો ઇનેબલ છે. ધ મિનિંગ ઓફ ધ લો ઇનેબલ ઇઝ ઇટ ઇઝ ગીવન અ લો સિગ્નલ. વેન ધ રીસેટ ઇઝ એક્ટિવેટેડ, ધ 8085 સસ્પેન્ડ ઓલ ધ ઇન્ટરનલ ઓપરેશન્સ. બરાબર, રીસેટ જનરેટ થાય એટલે શું કરશે? ફર્સ્ટ માઇક્રોપ્રોસેસર સસ્પેન્ડ
ऑल द ऑपरेशन जे काम करतु हे बधाने बंद कर देश. ओके देन सेकंड इज द क्लियर्स प्रोग्राम काउंटर. वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग? क्लियरिंग मीन्स 0000H. देन 8085 ऑल्सो परफॉर्म्स द रीसेट आउट सिग्नल. बीजू सिग्नल क्यू है रीसेट मेटू? रीसेट आउट. ओके इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स द अदर डिवाइस थ्रू रीसेट आउट सिग्नल. रीसेट आउट सिग्नल थी इट इन्फॉर्म्स अदर डिवाइस दैट माइक्रोप्रोसेसर इज बींग रीसेट, दैट इट इज बींग रीसेट. माइक्रोप्रोसेसर ने जणावशे के हवे शुं थाय छे? रीसेट थाय छे. शुं थाय छे? रीसेट. नाउ द प्रोग्राम एक्जीक्यूशन कैन अगेन बी स्टार्ट फ्रॉम द मेमरी लोकेशन 000H. वाय? बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ 0000H. ओके सो द रीसेट की ऑन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज बेस्ड द की इज यूज्ड टू परफॉर्म द रीसेट ऑपरेशन. बराबर रीसेट की आपेली होय छे. वंस इट इज प्रेस द हार्डवेयर सर्किट इन अ सिस्टम सेंड्स अ रीसेट इन सिग्नल. एक वक्त एने प्रेस करवामां आवे पछी ए रीसेट इन सिग्नल मोकले छे अने ऑल द ऑपरेशन स्टार्टेड अगेन एक्जीक्यूशन फ्रॉम द मेमरी लोकेशन 0000H. ओके हेन्स एज ए रिजल्ट मॉनिटर प्रोग्राम रिस्टार्ट द सिस्टम. एनाथी शुं थशे? सिस्टम ने रिस्टार्ट थशे. ओके सो दिस इज द फर्स्ट रीसेट सिग्नल. सेकेंड यू नो इंटरप्ट. द सेकेंड इज द इंटरप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी नो. द एक्सटर्नल डिवाइस कैन इंटरप्ट द 8085 सिग्नल बाय सेंडिंग द सिग्नल ऑन वन ऑफ द इंटरप्ट पिन. कोई पण पांच माथी कोई पण एक इंटरप्ट पिन ऊपर इंटरप्ट सिग्नल मोकलीने इंटरप्ट जनरेट करी शकाय छे. विच टाइप ऑफ इंटरप्ट वी हैव? वी हैव ए ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR टू एक्जीक्यूट द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन. इंटरप्ट नी अंदर जे प्रोग्राम रन थशे एने शुं कहेवामां आवे छे? ISR. द मीनिंग ऑफ द ISR इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ओके फॉर एक्जाम्पल वेन यू आर प्रेसिंग द की ऑन अ कीबोर्ड, द कीबोर्ड सर्किट सेंड्स द इंटरप्ट सिग्नल टू द माइक्रोप्रोसेसर ऑन वन ऑफ द इंटरप्ट पिन विच कॉजिस द एक्जीक्यूशन ऑफ द स्पेशियल कीबोर्ड सर्विस रूटीन. ए शू एक्जीक्यूट करशे? स्पेशियल कीबोर्ड सर्विस रूटीन एक्जीक्यूट करशे विच रीड्स द की फ्रॉम द कीबोर्ड पोर्ट एंड स्टोर्स इन द मेमरी. ए रीड करशे कि कई की प्रेस थई छे अने एने मेमरी में स्टोर करशे. ओके एंड यूज्ड बाय रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम. इंटरप्ट मेकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रोवाइड सच अ सर्विसेस टू वेरियस हार्डवेयर डिवाइस. बराबर घनी बधी हार्डवेयर डिवाइस ने इंटरप्ट मेकेनिज्म एनी अंदर आपेला होय छे. ओके सो दिस इज नोन एज ए इंटरप्ट. तो सेकंड पार्ट इज द इंटरप्ट. थर्ड पार्ट इज द रेडी. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडी रेडी. Ready. This is used to synchronize the operation of the slower device with the microprocessor. Anu kaam shu che? It is used to synchronize operation of slower device with माइक्रोप्रोसेसर. तो रेडी सिग्नल तमे भणी गया छो. व्हाट इज द यूज ऑफ द रेडी सिग्नल? द यूज ऑफ द रेडी सिग्नल इज धारो कि बे डिवाइस छे, एक फास्ट काम करे छे अने एक स्लो काम करे छे. बराबर तो ज्यारे आवू थाय त्यारे रेडी सिग्नल नो उपयोग करवामां आवे छे. रेडी सिग्नल शुं करशे? तो बन्नेना सिंक्रोना बन्ने जे डिवाइस छे, एक स्लोअर छे अने एक फास्टर छे, बन्नेना ऑपरेशन ने सिंक्रोनाइज करे छे. When ready signal goes low, જ્યારે એ લો થાય છે, when it goes low, wait state is generated. શું જનરેટ થાય છે? Wait state is generated. ઉભા રહો. ઓકે એન્ડ ઇટ રિમેન્સ અન્ટિલ રેડી ગોઝ હાઈ અગેન. બરાબર ક્યાં સુધી
लो रहे से इट जनरेट गोज लो एंड वेट स्टेट इज जनरेटेड एंड रिमेन्स इन अ लो सिग्नल वेन रेडी गोज हाई अगेन. बराबर वेट स्टेट में क्या सुधी रहे ज्या सुधी रेडी सिग्नल हाई ना थाय त्या सुधी. एक्जाम्पल तरीके मेमरी इज अ स्लो डिवाइस. मेमरी केवी डिवाइस है स्लो डिवाइस एंड कैन नॉट रिस्पोन्ड विथ द स्पीड ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड साथ रिस्पोन्ड कर सकत नहीं. सो ड्यूरिंग द मेमरी रीड ऑपरेशन आफ्टर एक्टिवेटिंग द मेमरी डिवाइस फॉर रीड ऑपरेशन द माइक्रोप्रोसेसर हेज टू वेट. माइक्रोप्रोसेसर ने शू करव पड़े वेट बिफोर मेमरी इज रेडी. मेमरी रेडी थाय त्या सुधी माइक्रोप्रोसेसर ने वेट स्टेट में रहू पड़े विथ द डेटा एज इट टेक सर्टेन टाइम टू गेट डेटा फ्रॉम द गिवन लोकेशन. ओके वंस मेमरी इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा द मेमरी डिवाइस इन्फॉर्म्स 8085 बाय सेंडिंग रेडी सिग्नल हाई. एक वक्त मेमरी डिवाइस रीड थी जाए रेडी थी जाए पछी मेमरी डिवाइस छे ए 8085 ने रेडी सिग्नल मोकले छे. बराबर अने ए सिग्नल केवू हशे हाई हशे. केवू हशे हाई. देन माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट माथी बहार आवे छे एंड इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर. ओके एंड देन कंटिन्यूज द नॉर्मल ऑपरेशन. सो देट इज द यूज ऑफ रेडी सिग्नल. एंड द फोर्थ वन इज द होल्ड HOLD. ओके सो होल्ड वेन द होल्ड इनपुट गोज हाई द माइक्रोप्रोसेसर जो वेन इट इज हाई माइक्रोप्रोसेसर कम्प्लीट्स करंट एक्जीक्यूशन. माइक्रोप्रोसेसर एक करंट एक्जीक्यूशन थतु हशे एने पहला कम्प्लीट कर देशे एंड लीव्स द कंट्रोल ऑफ बसेस. होल्ड नु काम जे छे के डायरेक्ट मेमरी एक्सेस छे ए डायरेक्ट मेमरी एक्सेस नो जे कंट्रोलर छे एने माइक्रोप्रोसेसर ना एड्रेस अने डेटा बस ने उछीना आपवाना छे काम करवा माटे आपवाना छे. सो व्हाटएवर द कंट्रोल ऑफ द बसेस फॉर द माइक्रोप्रोसेसर वेन धीस सिग्नल इज अ हाई माइक्रोप्रोसेसर लीव्स द कंट्रोल ऑफ द बसेस एंड बसेस इन ऑर्डर टू अलाउ द अदर डिवाइसिस. कई डिवाइसिस लाइक डीएमए. वॉट इज द डीएमए? डीएमए इज द डायरेक्ट मेमरी एक्सेस. वॉट इज डीएमए? इट्स द डायरेक्ट मेमरी एक्सेस. कंट्रोलर टू यूज इट लाइक डीएमए टू यूज इट. एनी जे एड्रेस अने डेटा बस छे એ કોઈ પેરિફરલ ડિવાઇસને જ્યારે આપવામાં આવે છે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનું કામ કરવા માટે ત્યારે હોલ્ડ સિગ્નલ જનરેટ થાય છે. ઓકે સો ડીએમએ કંટ્રોલર શું છે? તો ડીએમએ ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ડિવાઇસ યુઝડ ટુ ટ્રાન્સફર ધ ડેટા ઇન ધ બલ્ક બિટવીન પેરિફરલ ડિવાઇસ એન્ડ મેમરી. બરાબર તો પેરિફરલ ડિવાઇસ અને મેમરી વચ્ચે જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનો થાય ત્યારે ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લોપી ડિસ્ક અથવા હાર્ડ ડિસ્ક. ફ્લોપી ડિસ્ક અથવા હાર્ડ ડિસ્ક એન્ડ મેમરી એન્ડ વાઇસ વર્સા. ઓકે તો ફ્લોપી ડિસ્કમાંથી ડેટાને મેમરીમાં લેવો છે અને મેમરીમાંથી ફ્લોપી ડિસ્કમાં લેવો છે. એટ ધેટ ટાઈમ માઇક્રોપ્રોસેસર ગીવ્સ ઓલ ધ કંટ્રોલર્સ ઓફ હિસ એડ્રેસ એન્ડ ડેટા બસ ટુ ધ ડાયરેક્ટ મેમરી એક્સેસ કંટ્રોલર. સો એટ ધેટ વે વી કેન કન્વર્ટ ધ or transfer the data without use of the microprocessor. At that time the microprocessor has a idle state. ए वक्ते microprocessor केवू स्टेट हशे? Idle state. Okay so from the today's lecture you have to write the two question. The first is write down the external initiated operation and the second question is internal data manipulation. Okay. Jai Swaminarayan.